आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल रेसिपी बहुत ही इजी वे में, जिसके लिए मैंने ली है आधा कटोरी मूंग दाल। फिर मैंने लिया है एक टमाटर जिसको मैंने कद्दूकस करके रख दिया है। इसे कर देंगे हम कद्दूकस और फिर डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले, जैसे कि मैंने इसमें सबसे पहले डाला है नमक, फिर डाला है मैंने हल्दी, फिर डालेंगे थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिली पाउडर और थोड़ा सा कर लेंगे इसमें हींग को ऐड। तो मूंग दाल तो हर किसी के घर में बनती है और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है। मूंग दाल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बहुत से लोग मूंग दाल में टमाटर ऐड नहीं करते, बट मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि टमाटर ऐड करा करो, बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब मैंने एक प्रेशर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है ऑयल और उसके बाद मैं इसको करूँगी हीट और इसमें डालूँगी थोड़ा ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड करना है ये जीरी। आपने पकाना है इस मसाले को बहुत ही अच्छे से और जब ये पूरी तरह से मसाला रेडी हो जाएगा, पक जाएगा, तो आपने फिर इसमें ऐड करनी है अपनी दाल जिसको मैंने धुल के रखा हुआ है। तो दाल को ऐड करने के बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा पानी। जैसे आपको उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है आप उसी तरीके से डालें। हमें तो गाढ़ी गाढ़ी दाल अच्छी लगती है, तो मैंने तो कम ही पानी डाला था इसमें और हम कम ही डालते हैं ज़्यादातर। फिर आप करछी से इसको अच्छे से घुमा दें, मिला दें सब चीज़ें और फिर इसमें लगाना है आपने ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद आपने इसमें एक सीटी से भी कम लगानी है, गैस को कर देना है बंद। और अब मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटा सा पैन जिसमें मैंने थोड़ा घी डाला है और घी में डाला है मैंने जीरा और इसको अब मैं थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगी जीरे को, क्योंकि मैंने दाल के ऊपर से इसका तड़का लगाना है। तो मैंने सारी दाल निकाल दी है एक बाउल में और उसके बाद मैंने ये घी वाला तड़का ऊपर से लगा दिया है। तो बस अब की दाल आपकी रेडी है और आप इसको गरम गरम परोसें, गरम गरम दें और हाँ, गार्निशिंग थोड़ा अच्छी करें, खाने का मज़ा और दुगना हो जाता है अगर कोई चीज़ अच्छी दिखे, क्योंकि कुछ लोगों को मूंग दाल पसंद नहीं होती। आप मूंग दाल को ऐसे बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।